दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। और ये वीडियो है 14 फरवरी 2019 को जो अटैक हुआ था पुलवामा में उसके लिए वीडियो है। यहाँ पे आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जितने भी सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे उनको एक श्रद्धा दिखाया है, होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। एक्चुअली आईसीआई को वैसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इस पे बहुत सारे सोशल मीडिया में पोस्ट भी हुए थे, मैंने भी उनके लिए कुछ पोस्ट अपलोड करे थे और उस पर आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए थे। मेरे पोस्ट को देख करके कुछ लोगों ने उसमें डोनेट भी करा था। चलिए एक बार हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पे लिखा हुआ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, होमेज का मतलब होता है श्रद्धा, तो आईसीआई ने इन सारे के सारे सोल्जर्स के लिए श्रद्धा दिखाया हुआ है। और यहाँ पे वो जो अटैक था पुलवामा का उसकी काफी कड़े शब्दों में निंदा करी है आईसीआई ने। और यहाँ पे आईसीआई ने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है जो कि bharatkeveer.gov.in, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने इसमें डोनेट करा था, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो अभी भी अगर आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो अभी भी यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डोनेशन के लिए मैंने भी एक कम्युनिटी में पोस्ट करा था विजडम सी चैनल पे, और जिस टाइम पे मैंने पोस्ट करा था ये, तो बहुत सारे लोगों ने डोनेट करा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि डोनेशन कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने जैसे बताया था कि डोनेशन वेबसाइट जो है क्लोज हो चुकी है, तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बताया था कि इसमें आपको डोनेट कैसे करना है। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ अभी। सो यहाँ पे जो लिंक गिवन है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का पेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक करा, ये लॉगिन का पेज आ गया है। पहले क्या था कि अगर आप यहाँ पे अगर ब्रेव हर्ट्स पे अगर आप जाते हैं, तो इंडिविजुअल जो भी पर्सन थे उनकी फैमिली को कुछ अमाउंट लिमिट था, नियरली 15 लाख रुपीज तक की लिमिट थी, और जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबको मिल चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे चीजें भी यहाँ पे, अब उन सारे पेमेंट्स के अलावा जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे भारत के वीर कॉर्पस फंड है, तो इसमें डोनेट कर सकते हैं। और जो भी वो शहीद की फैमिलीज हैं उनको इसमें से कुछ अमाउंट दिया जाएगा, जो भी फैमिलीज हैं उनको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। सो यहाँ पे भारत के वीर कॉर्पस फंड पे यहाँ पे क्लिक करके, चाहे आप जो लॉगिन का पेज है, लॉगिन के पेज पे जो आईसीआई की वेबसाइट पे ऑलरेडी गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे कैप्चा कोड, और यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप लॉगिन करके और पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि आईसीआई इससे पहले भी ऐसे काम करते आया है, मीन्स जितने भी आईसीआई के मेंबर्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अवेयर करते आया है। जैसे कि केरला में कुछ दिन पहले अभी कुछ दिक्कतें हुई थी, वहां पे भी आईसीआई ने केरला फंड बनाया था, और यहां पे भी आईसीआई ने सबको अवेयर करा। हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, ये काम आईसीआई को थोड़ा सा और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था कि आईसीआई की वेबसाइट पर कोई ऐसी नोटिफिकेशन इसके बारे में आए। फाइनली कुछ दिनों बाद ही बट वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। Have a nice day.